जो हमारे बुजुर्गों ने 1921 में पौधा लगाया था वो आज वट वृक्ष हो गया है और समाज पूरी सफलतापूर्वक आज भी वर्तमान स्थिति में अच्छी तरह कार्य कर रहा है। खत्री सभा अजमेर का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया बड़े ही हर्षोल्लास से। आजादी के जश्न के बीच समाज बंधुओं ने दी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। आपस में जुड़ाव से ही किसी समाज में मजबूती आती है, अतः आप कितने भी संपन्न हो या बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन अपनी जमीन को न भूलें। अपने लोगों से जुड़ाव बनाए रखें और सदैव उनके संपर्क में रहें, ताकि आपके अनुभव और आपकी पहुंच पहचान आपके समाज व जाति बंधुओं के हित में सकारात्मक रूप से उपयोगी बन सके। यह बात मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक शरद मेहरा ने खत्री समाज मेर के शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खत्री जाति की जनसंख्या कम है, मगर शिक्षा और आपस में जुड़ाव की भावना ऐसे मजबूत स्तंभ है कि आप फिर भी अपना मुकाम बना सकते हो। इसलिए भले ही खत्री युवा उच्च स्थान पर कार्य करने विदेश अथवा अन्य शहर चले जाएं, मगर अपने शहर के समाज बंधुओं को ना भूलें और समाज के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहें। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए एडवोकेट राजेश टंडन ने राजस्थान में राजनीतिक व प्रशासनिक पदों पर खत्री समाज के लगभग शून्य प्रतिनिधित्व पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि हम अब ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, ताकि वे समाज के हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व प्रशस्त कर सकें। उन्होंने कहा कि अन्य जाति समाजों ने जिस तरह से धर्मशालाएं, शमशान स्थल सहित अन्य निजी स्थान डेवलप करके अपनी पहचान बनाने के साधन जुटाए हैं, ऐसा कुछ खत्री समाज को भी करना चाहिए। उन्होंने समाज को हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। शताब्दी वर्ष समारोह में समाज बंधुओं ने अपनी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से विभिन्न रंग भरे। कुमारी सानवी टंडन, माही मेहरा, शुभी खन्ना, अंशिता मेहरा, खुशी खन्ना, मिष्टी मेहरा आदि बालिकाओं ने नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन करके लोहा मनवाया। वहीं नृत्य में बड़ी उम्र की महिलाएं भी आगे रहीं और श्रीमती शिखा टंडन, अंकिता मेहरा और श्रीमती रूपाली मेहरा ने भी नृत्य प्रस्तुत कर समा बांधा। इसके अतिरिक्त अमित टंडन, गोपाल खन्ना, दिनेश मेहरा व अभिनव कपूर ने गायन प्रस्तुति देकर दाद बटोरी। इस दौरान आदित्य मेहरा, अमायरा मेहरा और सैन खन्ना ने फैंसी ड्रेस का प्रदर्शन किया। बॉबी इवेंट के कलाकारों की प्रस्तुति भी सराहनीय रही। कार्यक्रम का शानदार संचालन अमित टंडन ने किया। खत्री सभा अजमेर के अध्यक्ष अजय मेहरा ने जहां सभा की अब तक की गतिविधियों व उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, वहीं सचिव कुशल वर्धन टंडन ने खत्री सभा का 101 वर्ष का इतिहास बताया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि शरद मेहरा व विशिष्ट अतिथि एडवोकेट राज टंडन का माला व साफा पहनाकर स्वागत। अध्यक्ष अजय मेहरा, सचिव कुशल वर्धन टंडन, उपाध्यक्ष योगेंद्र मेहरा तथा कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट राजेश खन्ना के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उप मंत्री संजीव टंडन, अनिल टंडन आदि का भी सराहनीय सहयोग रहा। मंदिर से बता रहा हूँ कि आज हमारे खत्री समाज का सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है। कल यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो चुका हैगा और अब महाआरती होकर के भंडारा भी हमने कर चुके हैंगे। इसके अलावा ये सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों का हो रहा है, जिसके अंदर भी हमारे समाज के कलाकार ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैंगे। मुख्य अतिथि IIM स्टाम्प श्री शरद मेहरा जी हैं एवं विशिष्ट अतिथि राजेश टंडन जी हैंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खत्री समाज के पदाधिकारी जो कि कार्यकारिणी में है के आज हम स्वतंत्रता दिवस पर शताब्दी समारोह मना रहे हैं, जिसमें बच्चों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है। जो हमारे बुजुर्गों ने 1921 में पौधा लगाया था वो आज वट वृक्ष हो गया है और समाज पूरी सफलतापूर्वक आज भी वर्तमान स्थिति में अच्छी तरह कार्य कर रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, नृत्य दिया है, गायन दिए हैं। सभी समाज के सदस्यों का सहयोग हमें पूरा मिल रहा है।